देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी बिजली दरों को लेकर शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिव सैनिकों द्वारा जिला मुख्यालय पर विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और यह मांग उठाई गई कि बड़ी बिजली दरों को बढ़ाने वाले प्रस्ताव को तत्काल सरकार वापस ले, नहीं तो शिव सैनिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रदेश में बड़ी विद्युत दरों के प्रस्ताव को लेकर शिवसेना के पदाधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा गया, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा 28 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 1.09 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली दरों में बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव को तत्काल वापस करें व दिल्ली पंजाब की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी फ्री बिजली देने की मांग की गई। पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ रुपए का सरप्लस निकल रहा है, जबकि इसे समायोजित करने के बजाय ईंधन अधिभार के नाम पर 28 पैसे से लेकर 1.09 रुपये प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव उपभोक्ताओं के साथ घोर अन्याय साबित हो रहा है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से शिव सैनिक मांग करते हैं कि इस वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो शिव सैनिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। धरने में मुख्य रूप से महानगर प्रमुख गुड्डू सैनी, भवानी सेना जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंजू राठौर, युवा जिला प्रमुख मनोज कुमार, युवा महानगर प्रमुख राकेश प्रजापति, जिला प्रेस प्रवक्ता मोहर सिंह, बबीता सैनी, कुशाल सिंह, विजय सिंह, अजय सैनी, ओम प्रकाश सैनी आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है आज? शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित ज्ञापन में पावर कारपोरेशन द्वारा विद्युत दरें जो बढ़ाई गई हैं उनका जो प्रस्ताव पास किया है इसको तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। अब हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि दिल्ली और पंजाब की तरह यूपी में भी बिजली फ्री दी जाए। इसको ज्ञापन देंगे आज मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को देंगे।